है फागराम, ये हमारा परिवार है। मैं जब इतना एक बड़ा था 12-13-14 साल, ये पुरुप्रेन ताकू जहाँ बम टेस्टिंग होता है तो हम लोग बीनने जाते थे वहाँ पर। यहाँ कोई काम धाम नहीं था तो हमारे पिताजी के साथ हम लोग जाते थे। तो अपनी अब क्या करें, पेट के लिए तो अपना पेट भरने के लिए कुछ तो करने जाना पड़ता था। उसमें भी मैं 2-3 बार बच गया, मरते मरते बचा। यहाँ पे मध्य प्रदेश वानिकी परियोजना जो विश्व बैंक का पैसा आता है उसमें, जैसे अड़ोस पड़ोस गांव के लोगों को उसमें झगड़ा बढ़ रहा था उसमें, उसके लिए हमने आंदोलन किया था 2001 में। तो मध्य प्रदेश सरकार था, कांग्रेस सरकार थी उस समय, ब्रिटेन की विदेश मंत्री क्लियर शॉट करके एक मंत्री आई थी। तो हमने उसके सामने बात रखा कि जब आप यहाँ के आदिवासी को प्रबंधन और जंगल का प्रबंधन की बात करते तो आदिवासियों को उसमें क्यों नहीं रखा गया बैठक में। अब सोचने की बात है कि उस समय हमारे लोगों को, लोगों ने जब विरोध करने का कोशिश किया तो यहाँ प्रदेश सरकार जो कांग्रेस सरकार थी उन्होंने हमारे सैकड़ों लोगों को जेल में डाल दिया। कम से कम 2 दिन तक उनको जेल में रखा जब तक वो यहाँ मध्य प्रदेश से बाहर नहीं गई। तो ये स्थिति उस समय रही। तो ये एक आदिवासियों को मिटाने का भी एक तरीका ये सरकार और ये विश्व बैंक का जो योजनाएं चल रही है बहुत कर रहा है, इस तरह से मध्य प्रदेश में और देश में बहुत जगह हो रही है। दूसरा बात ये है कि यहाँ पर अभी तवा बांध विस्थापितों का जो सहकारिता के माध्यम से जो एक काम चल रहा है बहुत अच्छा एक प्रयोग ढंग से है। जिन लोगों को ये कहा जाता है कि ये आदिवासी गोंड कोर के लोग ये धंधा नहीं कर पाएंगे और ये इस बात को नहीं समझ पाएंगे, मगर आज हम लोगों ने बड़े कड़े आंदोलन के बाद हम लोगों ने उस चीज़ को अपने हाथ में लिया और उसको काम करने में दिक्कत तो आई और हमने उसको संभाल लिया है। इस समय आंदोलन जो हुआ विस्थापितों का, इसमें एक चीज ये निकली